जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्टोइकोमेट्री इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें एमसीक्यूज देखते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि Fe2O3 प्लस 3CO बन रहा है 2Fe प्लस 3CO2 व्हेन टू मोल्स ऑफ Fe2O3 आर अलाउड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 28 ग्राम ऑफ CO अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये जो सवाल आया आपके पास है ना, ये जो क्वेश्चन आया है, जो भी सवाल है, ये सवाल हमारा है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब ये हमें कैसे पता लगता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें दो तरह के रिएक्टेंट होते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक एक्सेस रिएक्टेंट होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है? लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल में हमेशा एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं ना उनके मासेस गिवन होते हैं या मोल्स गिवन होते हैं, कुछ भी। अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स गिवन है आपको और उनके ज़रिए आपको किसी एक प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। जैसे सवाल में देखिए, जो Fe2O3 है इसके दो मोल दिए जा रहे हैं आपको और साथ में 28 ग्राम ऑफ CO भी दिया जा रहा है, मतलब ये भी रिएक्टेंट दिया जा रहा है और ये भी रिएक्टेंट दिया जा रहा है, और पूछ क्या रहा है, बताएं कितने मोल्स Fe के बनेंगे। ये सवाल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट सवाल जब भी आप आएगा हमेशा दो स्टेप में होगा। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है? तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा वो क्या होगा कि फाइंड आउट LR, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट होता है? आप एक Fe2O3 का मालूम कर सकते हैं, एक मालूम कर सकते हैं हम CO का। तरीका क्या है? जो भी आपके पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं क्वेश्चन में, जैसे कि इसके मोल्स कितने, 2 मोल्स हैं, उसको डिवाइड कर दोगे इस Fe2O3 के मोलर कोफिशेंट से। अब वो कितना है यहाँ पर, इसका मोलर कोफिशेंट 1 है, तो 2/1 हमारे पास आ गया 2। ये एक मोल रेशो हमने निकाल लिया, ठीक है? तो ये अब ये हमारा आ गया। अच्छा, अब CO का निकालते हैं। CO का एक मसला क्या है बेटा, CO में दिया हुआ है मास 28 ग्राम, कोई मसला नहीं। मोल किसके बराबर होता है? मास अपॉन मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो मास हो गया 28 ग्राम और मॉलिकुलर मास भी CO का कितना निकलेगा, 28 ही निकलेगा, कट कटा के 1। हाँ भाई, CO के जो मोल्स गिवन है इसका मतलब वो 1 मोल गिवन है, डिवाइड बाय 3, यह आ जाएगा 0.33। अब देखो कम वैल्यू किसकी है, ज़्यादा वैल्यू इसकी। अब देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 0.33 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस इज LR और ये दिस इज ER एक्सेस रिएक्टेंट। सबसे पहला काम ये करना होता है। जब तक आप लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पहचान पाएंगे आप अगले स्टेप नहीं बढ़ सकते। तो जिसका मोल रेशो कम आएगा, और मोल रेशो कैसे निकाल रहे हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते रहे मोलर कोफिशेंट से। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, बताओ कितना मोल आयरन का बनेगा। तो अब हमें किसको बेटा, सिर्फ CO को देखते हुए बता रहे हैं कि आयरन का कितना मोल बनेगा। अब हम लगा देते हैं रिलेशनशिप स्टोइकोमेट्री, ठीक है? इक्वेशन दोबारा से लिखता हूँ, Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है? अब देखो ये 3CO है और ये 2Fe है, CO से बताना है कि Fe कितना बन रहा है, क्योंकि CO लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंडेड होती है, एक्सेस रिएक्टेंट से एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनता। तो 3 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, 1 मोल गिवन है सवाल में, 1 मोल से कितना बनेगा, कुछ भी बनेगा, एक्स मोल बनेगा, ठीक है? एक्स मोल बनेगा ना भाई। अब निकाल लेते हैं रेशो मेथड से, 3:2 इज इक्वल टू 1:x, 3/2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x 3/2 इक्वल टू 1/x और 3x इज इक्वल टू 2, x बराबर हो गया 2/3। अब 2/3 कितना होता है,
0.67 है सर में 0.67 बिल्कुल है। थोड़ा लंबा वर्कआउट था इसके अंदर, मतलब पूरा न्यूमेरिकल था लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो सर। ये शॉर्टकट है, वो लॉन्ग तरीका, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब जब हम इंटर में उसको फर्स्ट टाइम में कराते हैं तब उसमें ये करते हैं कि दोनों का अलग अलग मालूम करो जो कम आया वो आंसर है, बट ये एप्टीट्यूड में ऐसे नहीं करते हैं। एप्टीट्यूड में हम शॉर्टकट मारते हैं, हम डायरेक्ट मोल से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं लिमिटिंग कौन सा, उसी के लिहाज से फिर हम लोग अमाउंट निकालते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मैं बिना कलम चलाए वर्बली कर सकता हूँ अपने दिमाग में, ये आप भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। अब लोग से इतना लिखना पड़ेगा, क्यों लिख रहे हो भाई, मैं तो कभी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट बताता 3 मोल से 2 बनेगा तो 1 से 2.67 ही बनेगा। मतलब मैं तो नहीं लिखता कभी, मैं डिवाइड भी उसको दिमाग में ही करता, मैं उसको देखता कि भैया 2 मोल है और ये 1 मोल 2/1 आ गया दिमाग में, 1 सेव कर लिया, 28 ग्राम मतलब 1 मोल है, 1/3 मतलब 0.33 वो लिमिटिंग है। फिर मैं देखता हूँ कि चूँकि 3 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा, तो 0.67 बनेगा, हो गया आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। बट उसके लिए प्रैक्टिस अच्छा खासा पहले लिख के करनी पड़ेगी, देन दिमाग में आएगा, लॉजिकली होगा, ऐसे डायरेक्टली आप लॉजिकली नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। एवोगाड्रोस नंबर इज नॉट इक्वल टू डैश, एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर नहीं होता। अभी भी थोड़ा टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखें, एवोगाड्रो नंबर इज नॉट इक्वल टू डैश। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है सबको पता है, एन ए की वैल्यू पता है सबको, 6.02 एक्सपोनेंट, ये कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। ये कह रहे हैं किसके बराबर नहीं है, एक एक करके, ए है द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। देखो लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूँ वरना बड़ा लंबा सवाल है। 11.2 लीटर आपको पता है, 1 लीटर जो है ना 1 मोल 22.41 लीटर 1 मोल में होता है, तो 11.2 लीटर कितने मोल में होगा, 5.5 लीटर कितने मोल में होगा, ऐसे ही बता रहा हूँ, 33.6 लीटर कितने मोल में होगा, 1 मोल हो गया ना 2 मोल, 44.8 लीटर कितने मोल में होगा, सही है। ऐसी मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ना मल्टीपल्स को याद रखा करो, 1 मोल का इतना वॉल्यूम आएगा, आधे मोल का इतना, 1/4 मोल का इतना, 2 मोल का इतना, इससे बड़ा सुकून आता है ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंस आता है अगर आपको याद हो तो, खुद ही आएगा कॉन्फिडेंस, तो आंसर आपका टक 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 लगेगा अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होती हैं, कोई कैलकुलेटर कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो 11.2 लीटर है, इसके मतलब कितना मोल है, आधा मोल है। अब आधा मोल है तो आधे मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हाइड्रोजन के, 6.02 का आधा तो कितना हो जाएगा, 3.01, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के ना। अच्छा लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, अब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये नंबर ऑफ एटम 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, क्या ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ये तो आंसर नहीं, ये तो हटा, समझ गए। फिर से तो क्या लॉजिक लगा है, 11.2 लीटर था, आधा लीटर था, सॉरी आधा लीटर कह रहा हूँ, आधा मोल था, हाफ मोल था, हाफ मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 3.01 एक्सपोनेंट 23, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो एक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम है तो 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, घूम घुमा के आगे क्या आ जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, इसलिए ये कट गया। पूछा किस कौन सा किसका आंसर एवोगाड्रो के बराबर नहीं है, ये भी पूछा है कौन सा, नहीं है, नॉट, बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नियॉन एट एसटीपी, ये तो डायरेक्ट आ रहा है 6.02 एक्सपोनेंट 23, कितने आइटम्स आ जाएंगे डायरेक्ट, कट गया। सी देखते हैं, नंबर ऑफ एच प्लस आयंस इन 0.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देखते हैं उसको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं, मैंने भी एड इट इन वाटर, तो क्या होता है बच्चों, 2H+ आयंस बनते हैं और SO4-1 एसिड आयनाइज होता ही है पानी में डालने पर, H+ आयन अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, एसिड है, एसिड क्या करेगा पानी में H+ आयन देगा। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितना, 2 मोल दे रहा है H+ आयन,
आधा मोल अगर ले लेंगे तो कितना देगा? एक मोल देगा। और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? कट गया। अब डी ऑप्शन में लिखा होगा आबरा का डाबरा, वही सही होगा। अलम शलम फलाना ढिमकाना जो लिखा हुआ है आंसर डी ही है, क्योंकि तीन तो नहीं है, डन है। देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, ऐसे नहीं भाग रहा, लेकिन आप भाग सकते हो डी लगा के। आपको तो आंसर सही टिक करना है, लेकिन मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि डी कैसे सही है। ठीक है, डी डन सही है। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन वन मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड है ना CaCl2, इसको जब तुम पानी में डालोगे तो कैल्शियम प्लस टू आयन अलग हो जाएगा और 2Cl- आयन अलग हो जाएंगे। अब एक मोल अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लेते हो तो यहाँ बोला ना कि द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन वन मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, एक मोल क्लोराइड आयन लेते हो तो कितना मोल बनता है Cl-? दो मोल बनता है Cl-। अब दो मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? क्या 6.02 × 10²³ होगा? नहीं, 1.204 × 10²³ होगा। तो क्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर है नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन वन मोल ऑफ CaCl2? नहीं, तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन करेक्ट। कितना वर्क करना पड़ा एक MCQ उसके लिए देगा आपने, सब में ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। ये अगर दुनिया का तारीख का मुश्किल तरीन पेपर बनाएंगे तो ऐसा MCQ आ जाएगा, नहीं तो सिंपल बोलेंगे मोल का यूनिट क्या है बता दो, 46 ग्राम सोडियम में कितना मोल होता है बता दो, 2 मोल पानी में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है बता दो। बट कौन जानता है कितना आसान है कितना मुश्किल है? मुश्किल पढ़ लो, आसान अपने आप होगा। फिर पाकिस्तान में जो टेस्ट देने जाके बैठो और केमिस्ट्री गलत नहीं करके आओगे, लेकिन पढ़ना वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जो सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब बच्चे गिनती का 10 सवाल आसान आसान कर लेते हैं, मोल का यूनिट क्या है, मोल को एन से डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.02 को लगता है टॉप कर लेंगे कराची में। गलत है, नहीं होता ऐसा। ऐसा हो तो बेटा दूसरा बंदा डॉक्टर हो, मरीज कम हो जाए डॉक्टर ज़्यादा हो जाए, नहीं होता ऐसा। मरीज़ को हमेशा ज़्यादा रहना, डॉक्टर को कम रहना, इसलिए नहीं होता ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? बच्चों वाला सवाल है, मोल दिया है, मास बताना है। मोल किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास, तो मास किसके बराबर हो गया? मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना? 0.25, मॉलिक्यूलर मास 48 निकल जाएगा, 3 का 16 3 का 48। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा उसको, बस ये देख रहा हूँ 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है मेरे लिहाज से। 0.25 का मतलब होता है 1/4 ना, क्या ये 1/4 नहीं है? मुझे ना पॉइंट से नफरत है, बस मुझे पॉइंट में कैलकुलेशन होती नहीं मेरे से, मैं ऐसे करूँगा 1/4। तो 2 2 ज़ा 4, फिर 24, 2 1 ज़ा 2 और 12, 12 आंसर आ गया। 12 मेरा, बजाय इसके कि मैं कहूँगा आप ऐसे करो 0.2548 और ये मल्टीप्लाई, इससे बेहतर ऐसे कर लो, अल्लाह के बंदो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो पॉइंट को, शॉर्टकट है। 0.25 × 4 होता रहता तो पता ही होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? किसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑप्शन है, 2 ग्राम ऑक्सीजन ओ है सिर्फ ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने का क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू, सुना है कभी ये फॉर्मूला? एवोगाड्रो नंबर 2/16 × NA। सॉल्व नहीं करता, बाद में करेंगे। 2 ग्राम ऑफ O2 2/32 × NA, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोल रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एटम्स आएंगे वरना तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखो यही समझ में आया तो इसमें समझो इस बात को, 2/48 × NA, ये ओजोन के मॉलिक्यूल आएंगे आपके पास अभी इस वक्त, लेकिन वो एटम्स कितने हैं 2 ग्राम के लिए, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। अब ऑल एफ से, अब देख लें आप सॉल्व करते हैं, इक्वेशन तो बना दी, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 1/8 NA, सॉल्व नहीं करना बस छोड़ दिया, 2 1 ज़ा 2 2 16 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ये भी 1/8 NA। इसका मतलब डी तो हो नहीं सकता। अच्छा सी भी तो निकालेंगे, क्या पता सी भी 1/8 निकल जाए,
अगर सी बी 1/8 निकलेगा तो फिर ऑल एफ सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देख लेते हैं क्या पता निकल जाए क्या पता ना निकले, मैं घर से आंसर ढूंढने देख कर आया। चेक करते हैं 2 1 2 2 24 3 1 3 3 8 24 तो ये आ गया 1/8 एन ए। सेम हो गया सारा, पक्की बात है सही कैलकुलेशन किया है मैंने। हाँ तो बस सही ऑल एफ सेम असली ही क्या बात है सी ऑप्शन, क्या पता नहीं होता तो सी ऑप्शन हो जा सही है। तो मसला समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी चलिए घर जाके स्लो करके 0.5x करके देख लेते, यूट्यूब पे जो है ना 0.5x का ऑप्शन आता है। हल्का हल्का बोलूँगा मैं, हल्का हल्का बोलूँगा ऐसे करके हाथ हिलाऊँगा तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर होता है यूट्यूब पे, ये फ़ायदा है आज आस्था करके, और कुछ फास्ट लर्नर तो 2x करके देखते हैं। तुम लोग 2x वाले हो तो तेज़ी में तो सब समझ में आ रहा, आगे बढ़ाओ। ओके नेक्स्ट है, अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिलेटेड टू, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल किससे रिलेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ दिस। मतलब मोल से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं मोल से ना, निकाल सकते हैं, कौन नहीं निकाल सकते, ये रहा ये रो निकला खत्म। क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, v इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.41। क्या मास निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, सबसे रिलेट करता है, मास के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं ना इन सबसे। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज डैश, शॉर्टकट मारे लॉन्ग कट करेंगे, शॉर्टकट करें लॉन्ग कट नहीं करें, चलो ठीक है चलो पहले शॉर्टकट समझो, नहीं समझ में आया तो लॉन्ग कट सही है। कितने ऑक्सीजन आइटम होते हैं 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में, मेरे लिहाज से ना मैं समझता हूँ ये 4.4 ग्राम जो है ना 44 ग्राम अगर ये होता तो एक मोल होता, 4.4 है तो असल में 0.1 मोल है, पॉइंट लगा दिया 0.1 मोल ऑफ CO2 है। इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक मोल में होते हैं 6.02 × 10²³, 0.1 मोल में कितने होंगे, एक पावर कम हो जाएगा 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर सही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया 6.02 × 10²³। लेकिन हमसे बोला क्या सवाल में, ये थोड़ी ना बताने के, ये तो ये क्या है मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आया ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है तो इतने में कितना होगा, यस 1.204 × 10²³। कौन सा ऑप्शन होगा, ये शॉर्टकट मारा मैंने क्या किया, वरना इसको लॉन्ग कट करता तो आधे पेज चला जाता इसी में। 4.4 ग्राम CO2 0.1 मोल हो गया, आप सॉल्व भी कर सकते मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मसला कोई नहीं, 0.1 मोल है, एक मोल में पार्टिकल होता है 6.02 × 10²³, तो 0.1 मोल में कितना होगा, पावर एक कम कर दिया। देखो इसके जैसे मैंने बताया था ना कि आपको लीटर्स के लिहाज से पता करना है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता रखना है, किस लिहाज से, रेशोज के हिसाब से। जैसे देखो एक मोल में पार्टिकल कितना होता है 6.02 × 10²³, दो मोल में पार्टिकल कितना होता है 1.204 × 10²³, तीन मोल में पार्टिकल कितना होता है 1.806 × 10²³, चार मोल में पार्टिकल कितना होता है 2.408 × 10²³, दस मोल में पार्टिकल कितना होता है, आप थोड़ा लॉजिक रखते हो ना मैथमेटिक्स का, आपको पता है क्या हो रही है बिल्कुल। अब अगर 8 मोल की बात करो तो क्या हो जाएगा, स्कूल डबल कर दो, अरे डबल कर दो उसको, 4.8 हो गया 4.8 × 10²³। मैं करके दिखा रहा हूँ, छोड़ो हटाओ, लॉजिक भी बता दे रहा हूँ, मसले की बात थोड़ी ना है, 6 है ना, दो मोल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 का क्या होगा 12 होगा ना, कर देते हैं 12.04 × 10³। लेकिन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन नहीं है ये, पॉइंट को एक पीछे फेंकेंगे तो पावर एक आगे नहीं जाएगा, हो गया
तीन मोल, 6 × 3 = 18, लेकिन 18 की वजह क्या लिखेंगे, 1.8 करेंगे और पावर एक बढ़ा देंगे, 1.806 एक्सपोनेंट 24, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 4 = 24, तो ये 4 मोल का क्या आ जाएगा, 2.408 एक्सपोनेंट 24, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 8 = 48, तो 8 मोल का क्या हो जाएगा, 4.8 एक्सपोनेंट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60.60 आ जाएगा, तो लेकिन हम क्या लिखेंगे, बस पावर एक बढ़ा देंगे, तो 10 मोल का क्या आ जाएगा, पूरा ऐसा ही 6.02 एक्सपोनेंट, पावर सिर्फ क्या आ जाएगा, 24, ऐसा ही होगा। कम भी कर सकते हैं, आधा मोल इसका आधा कर दो, 3.01, सिंपल मैथमेटिक्स का लॉजिक चल रहा है, 0.25 मोल करते हैं इसको, 1/4 मोल, तो इसका भी आधा 1.505 एक्सपोनेंट 23, 0.1 मोल कर देते हैं, 10 टाइम्स कम हो गए, डिवाइड बाय जब ये 10 हुआ तो 0.602 एक्सपोनेंट 23 हुआ, पॉइंट को आगे पीछे करेंगे तो 6.02 एक्सपोनेंट आ गया, सब कोई कैलकुलेटर नहीं मेरे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, बट यही आंसर आ रहा होता है। अगर आप पाकिस्तान में जो एप्टीट्यूड टेस्ट दो एवोगाड्रो का, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आता, मुश्किल से मुश्किल सवाल दुनिया को उठा लें यही आएगा आंसर, कैलकुलेटर को जापानीज चाइनीज ट्रिक नहीं चाहिए इसके लिए, नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स है जो अल्लाह ने आपके दिमाग में घुसाया है, ये वही चीज़ है, अलग से को मैंने कोई तरकीब नहीं लगा दी उसके अंदर, इतनी मैथ्स बचपन से 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं, ऐसी बात है ना भाई, आप बोलो सर तो रॉकेट साइंस लगा दिया आपने इसके अंदर, नया ईजाद कुछ कर दिया, कुछ ईजाद नहीं किया मैंने, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, नहीं पता आपको तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत करोगे आपको ये पता होगा, सही है, आ जाओ आप, तो कहाँ गया, हाँ तो ये तो हो गया ना सवाल 1.204, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं थोड़ी ना मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मुझे पता ही आ जाएगा, तू बोले तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, समझ गए कैसे हो रहा है, कई सवाल 175 सवाल में से कितने सवाल में ये लग रहा होगा, सोच है आपकी कितने सवाल में ये फॉर्मूला लग रहा होगा, तो डायरेक्ट और विदाउट कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर के साथ नहीं करना है कभी, उसके बिना करना है तो मज़ा आएगा, सही आगे बढ़े, मसला यहाँ तक सारे सवाल समझ में आ गए, नहीं समझ में आया पूछोगे तो मैं बताऊँगा, अदरवाइज मैं कैसे बताऊँगा, देखो उसके जो पहला सवाल आया ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट दोबारा से है ना, देखो नहीं समझ में आया तो देखो ना, ये रहा इक्वेशन दी हुई है, ये रही इक्वेशन पूरी इतनी बड़ी, आधा मोल एल्युमिनियम आधा मोल Fe2O3, मालूम करो मोल्स ऑफ Fe है लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, कैसे पहचानते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या बताया था अभी, दोनों के मोल्स गिवन है, क्या गिवन है दोनों रिएक्टेंट के मोल, आधा आधा मोल किसका दिया हुआ है, दोनों रिएक्टेंट का तो दिया हुआ है, मालूम कर लेंगे, ठीक है, इसके लिए पहले तो ये चेक करना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है भाई, जब तक वो चेक नहीं करोगे मजाल नहीं है कदम आगे बढ़ा सको, चेक कर लेते हैं क्या मसला है, एल्युमिना है ना 0.5 upon 2 0.25, हाँ 0.25 आएगा ना 0.5 upon 2, हाँ उसका भी सेम आएगा क्या, अच्छा पता नहीं देखते हैं ऐसा कैसे हो गया, Fe2O3 का निकालते हैं, गिवन है 0.5 / 1, हाँ कहाँ से आया भाई 0.2 0.5, अच्छा 0.5 कह रहे हो आप, मुझे लगा 0.25 कह रहे हो आप, ओके ओके, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एलुमिना में बड़ी वैल्यू 0.25 है, 0.5 है 0.25 बड़ी वैल्यू है क्या, 0.5 है ना, तुम लोगों को आता वाता है कुछ, 0.25 ही बड़ी है ना, 0.25 वो 0.5 सही बात है ना, नहीं 0.25 बड़ी वैल्यू क्या, 0.5 क्यों, वो तो 0.25 है,
अब मैं तो ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया यार, छोड़ो सारे पॉइंट, अब समझाने की बात है। 0.25 छोटी वैल्यू है ना, 0.5 बड़ी वैल्यू है। ओके पॉइंट के बाद है ना, सिंपल बोल रहा था तुमको सर, 25 और 5 थोड़ी नहीं है। ओके तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा एल्यूमिनियम हो गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हुआ तो उससे हम देखते हैं कितना मोल बनेगा किसका भाई, आयरन का। डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, दो मोल से दो मोल बन रहा है तो 0.25 मोल से कितना बनेगा, 0.25 मोल ही बनेगा। जब दो से दो बन रहा है तो 0.25 से 0.25 बनेगा, सेम रिलेशन है। तो कहाँ गया आंसर, 0.25 है कहीं पे। सबर। अच्छा 0.25 क्यों ले रहे हैं हम, ये तो गलत है ना। देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के बाद ना इसको भूल जाओ, लिमिटिंग रिएक्टेंट ये आ गया, भूल जाओ इस नंबर को। हाँ तो आप 0.5 लेंगे ना भाई, तो दो मोल से दो मोल बन रहा है, 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल बनेगा, ए ऑप्शन का। वो मैंने उसका वो 0.25 ले लिया था, याद रखना ये नहीं लेना है। इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक कर दे, उसके बाद मिटा दो आप इसको, वरना आपको कन्फ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दी हुई है भाई, क्या करना है इस इक्वेशन का। द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.48 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाय द अबव रिएक्शन इज डैश। क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पेपर्स रिक्वायर्ड, कितना वाटर पेपर रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 4.48 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाय द अबव रिएक्शन। ओके हाँ, वाटर वेपर्स, यस वाटर वेपर तो यही है ना, वाटर तो एक ही है, बिल्कुल गैसियस फॉर्म। तो लिखता हूँ यार मैं इसको, ये आई थिंक है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है कि नहीं है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम, पढ़ा है सुना है नाम कभी वॉल्यूम वॉल्यूम। दिया हुआ किसका है, ऑक्सीजन का, पूछा है क्या तुमसे H2O। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इक्वेशन क्या बता रही है, इसके पीछे जो कोफिशिएंट लिखा है ये मोल भी होता है, यही वॉल्यूम भी होता है। तो एक लीटर से, अच्छा इक्वेशन बैलेंस नहीं किया था ना मैंने, ओके मतलब एक लीटर ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए दो लीटर आपको वाटर वेपर चाहिए है ना, और प्रोड्यूस कितना करना है, 4.48 लीटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, इसका डबल चाहिए, 8.8 चाहिए होगा, एक से दो चाहिए तो इसके इसका डबल चाहिए, तो 8.8 नहीं आएगा, 9. समथिंग हो जाएगा, 8.9 हो जाएगा ना, 8.9 लीटर तो है ऑप्शन में इसमें, 8.96 सही है। आप रेशो मेथड भी लगा सकते, सर आपने डबल क्यों कर दिया, नहीं करो भाई डबल, तुम ये लो, तुम बच्चों लोग की तरह करो वन क्लास के, ऐसे करके तुम करो वन क्लास के बच्चे की तरह, 2:1 = x = 4.48 आओगे यहीं पर आंसर में, तुम जो भी कर लो आना तुमको यहीं पर है, x = 4.48 × 2 तो आ गया ना, ये 4 × 2 = 8 और ये 8.96 तो वही चीज़ हम डायरेक्ट कर दे रहे थे, वक्त बचा रहे थे आपका, 102 बन रहा है तो इससे कितना, इसका 2 बनेगा, 2 ही बन रहा है ना। आप रेशो मेथड लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन एप्टीट्यूड में कोशिश करें डायरेक्ट आंसर दें, इतना टाइम हो नहीं रहा तो सॉल्व करने, पूरा न्यूमेरिकली बन गया ये तो नहीं। हाँ नहीं तो मुझको लगता है पेज इतना, प्रैक्टिस नहीं है कम से कम, अब नहीं लगता ना, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, कम से कम 175 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे उसके, नहीं कोई एक जैसे नहीं है, अलग है वो, आपको लग रहा है आपकी प्रैक्टिस कम है और कुछ नहीं है, ये चैप्टर मांगता है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर अच्छा होगा, बहुत ईजी चैप्टर। आप बताओ मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ यहाँ पर सवाल में, कुछ भी नहीं है, डर आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक ऐसा निकल रहा है, रेजिडेंस बता रहा हूँ ये टॉपिक क्यों है। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट का मास गिवन नहीं है दूसरा, पर ये भी लिमिटिंग होता है ऊपर वाले की तरह, रीज़न है ना हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, तुक्का नहीं मार रहे कि भाई ये कर लिया तो ये आ गया। नेक्स्ट, अ कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला वेट ऑफ 70 mu हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2, व्हाट इज द मॉलिकुलर फार्मूला। क्या कह रहे, कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला मास
70 एमयू है, ठीक है। ये हो गया हमारा एम एफ एम, और उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। देखो जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एम। एन किसके बराबर होता है, एन बराबर होता है एम एफ एम अपॉन ई एफ एम। एम एफ एम कितना दिया हुआ तुमको, 70 अपॉन ई एफ एम, यहाँ से निकल जाएगा 12 और दो कितना हो गया 14, 14 हो गया, 14 के टेबल में 70 आएगा, आता होगा मुझे क्या पता। 2 7 14 235, 7 1 7 7 5 35, तो 14 5 70 भी होता है, ठीक है। बट आप 2 से काटो, आपको 2 से काटना आसान लगता है, 5 आया इनके, अभी आप पुट कर दो। तो मॉलिकुलर फार्मूला बराबर किसकी हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला CH2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 5 1 5 और 5 2 10, क्या ऑप्शन है, क्या समझे। तो क्या करना होता है, जब भी मॉलिकुलर फार्मूला निकालें पहले n निकालेंगे एम एफ एम डिवाइड बाई ई एफ एम से, तो n आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉलिकुलर फार्मूले से, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूले से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक है आपका पीएमडी से सिलेबस में मॉलिकुलर फार्मूला का, तो इसको भी कर लीजिएगा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल विद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2। किसका तो भैया हलवा सवाल तुम लोगों के टाइप का, ये CH2 किसका निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला, काट के देख लो भाई, CH2 किसका निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला ये बता दो, जैकपॉट है। हाँ, बी, बी दिमाग खराब हो गया, काटोगे कैसे, CH2 निकाले एम्पिरिकल, ऑप्शन ई, 4 1 4 4 2 8, ई सही तो बोल रहे बच्चे, यहाँ पर तुम कैसे काट रहे थे उसको, बिल्कुल जाहिर से बात है कटेगा नहीं, तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स मोर आयंस, ओके, किस सॉल्यूशन में आयन की तादाद ज्यादा होगी, एक और क्वेश्चन भी, अरे वो आगे पीछे होगा कहीं, देखते हैं, इतने सवाल है कोई ना गुम हो जाता आगे पीछे। एम जी, अब इसको निकाल कर देखते हैं, एम जी सी एल टू है, पानी में डालोगे तो क्या बनेंगे, टोटल आगे कितने 3 आइन्स आ गए एक मॉलिक्यूल से, मैक्सिमम आइन पूछ रहा है 3 आइन इसमें। बी में देखते हैं आप, HClO4 पर क्लोरिक एसिड होता है ना, ये H प्लस और ClO4 माइनस बनता है, ये 2 आइन्स, ClO4 माइनस आइन है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड क्लोरेट आइन, ये क्लोरेट आइन होता है, और ये HClO4 कौन सा एसिड होता है, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो 2 आइन्स टोटल आ रहे हैं, क्या समझे, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 प्लस अलग, OH माइनस अलग, 2 आइन। चलो अभी जीत रहा है, अभी जीत रहा है, ये है MgCl2, अब देखते हैं फाइनल मैच है, नहीं फाइनल मैच का है, 2 बाकी है, सेमीफाइनल है, मोलारिटी दी हुई है सबकी, क्या फ़र्क है, सब हाँ कन्फ्यूज़ क्योंकि सब सेम है ना, तो फ़र्क क्या पड़ता है, अलग अलग करते हैं तो होता है, लेकिन अलग कर नहीं सकते क्योंकि इस चैप्टर का टॉपिक है ही नहीं मोलारिटी, कन्फ्यूज़ कर रहा और कुछ नहीं कर रहा आप। KOH, के प्लस ओ एच माइनस, 2 आइन्स, फाइनल मैच, ये देखते हैं क्या होता है, लिथियम नाइट्रेट LiNO3, Li प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा, फिर से 2 आइन आ गए, तो जीत गया ये हमारा MgCl2, सबसे ज़्यादा आइन यही प्रोड्यूस कर रहा है, सही है, चलिए 1 Mg+2 और 2 Cl-, समझिए कैसे निकाला, चेंज हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। नम्स का टेस्ट दे रहे आप में से कोई, नम्स दे रहे हो आप, अप्लाई कर दिया आप,
ये ऐसा ही है, नम्स सबसे मुश्किल, नम्स की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आती है, इस तरह के सवाल नम्स में ही आ रहे होते हैं। एमडी कैट तो फिर भी रिलेटिवली आसान रहते हैं नम्स। नम्स आप प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो या एडमिशन के लिए दे रहे हो? प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, सही। बिल्कुल नम्स कराची में, नम्स जो है ना वो तो एक कंडक्टिंग बॉडी है, नम्स जो है वो तो कंडक्टिंग बॉडी है। अब नम्स से एफिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कराची में, हाँ कराची में है, कराची में बहरिया है, बहरिया जो MBBS होता है वो नम्स के थ्रू होता है। इसी तरह से पाक फजाइया है, रुतफाओ मेडिकल कॉलेज PF वालों का जो है कारसास पे वो, और एक KIMS है वो आर्मी वालों का जो है, ठीक है, तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस KIMS, तो एक नेवी का है, एक आर्मी का है और एक एयरफोर्स का है। कराची में ये तीन MBBS के इदारे हैं, लेकिन ये MD कैट स्कोर नहीं एक्सेप्ट करते, ये नम्स का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आप इन तीन इदारों में MD कैट देकर नहीं जा सकते। हाँ प्राइवेट होती है, फीस ज़्यादा है इसकी, लेकिन इनका फिर भी लेते हैं ये MD कैट, मतलब हाँ इनके आर्मी के अपने जो लोग होते हैं वो तो जाते हैं फ्री में, लेकिन प्राइवेट एज आप कैंडिडेट जाएंगे ना तो आपको फ़ी देनी पड़ेगी, और फ़ी होती है सही तो प्राइवेट जितनी फ़ीस होती है, बट ये कि MD कैट की बजाय नम्स से लेते हैं, फिर ये नम्स का टेस्ट मुश्किल होता है, फेडरल से बनता है पूरा। पिछली बार आसान कर दिया था वो, मैंने सॉल्व किया था केमिस्ट्री पोर्शन, बट वो मुश्किल, लेकिन वो है फेडरल से ही आता है, वो सिंध बोर्ड नहीं टच करता है।